हेलो दोस्तों, मैं हूँ माधवी और स्वागत करती हूँ आप सभी का माधवी किचन में। आज मैं बनाऊंगी ये बहुत ही सिंपल और डिलीशियस न्यूटेला रैप। ये बनाने में काफ़ी ज़्यादा आसान है और बहुत ज़्यादा डिलीशियस लगता है खाने में। इस तरह के बैटर से आज हम ये न्यूटेला रैप बनाएंगे। बनाने में काफ़ी ज़्यादा आसान है, इसमें आटा गूंथने या उसे रोल करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह का बैटर बना के हम मिनटों में झटपट ढेर सारे न्यूटेला रैप्स बना सकते हैं। बच्चों को ये काफ़ी पसंद आता है और बच्चों ही क्या, बड़ों को भी बहुत पसंद आता है। उन्हें आप लंच बॉक्स में इसे पैक करके दे सकते हैं। काफ़ी हेल्दी रेसिपी भी है और मिनटों में झटपट बन जाती है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। अगर ये रेसिपी पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल का आइकन है उसे दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं बनाना न्यूटेला रैप। तो इसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे बैटर। तो एक बोल में मैंने ले लिया है 1 कप मैदा। आप इसकी जगह आटा भी ले सकते हैं। इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून चीनी, 1/4 टीस्पून इसमें डालेंगे नमक और 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर। कुछ बूंदे डाल देंगे वनीला एसेंस की और 1 टेबलस्पून इसमें डाल देंगे ऑयल। ऑयल की जगह आप मेल्ट किया हुआ बटर भी ले सकते हैं। और थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए इसका बैटर बनाएंगे। तो मैंने 1 कप दूध लिया है यहाँ पर। तो पहले मैंने थोड़ा सा दूध डाल लिया है और इसे मिलाएंगे। अब हम इसमें और दूध ऐड करेंगे। दूध रूम टेम्परेचर पर लेना है। ये देखिए, इस तरह से थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएंगे और इसे मिलाते जाएंगे। इस तरह से हमारा बैटर स्मूथ बनेगा, इसमें लंप नहीं बनेंगे, इसमें गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी। तो आप देख सकते हैं, इस तरह से 1 कप दूध इसमें मैंने डाल दिया है। मुझे ये बैटर बनाने में 1 कप दूध लगा है। हो सकता है आपको थोड़ा ज़्यादा या कम दूध लगे, ये आटे पर डिपेंड करता है वो कितना दूध एब्जॉर्ब करता है। तो इस तरह से इसे मिलाते जाएंगे। अच्छे से इसे बीट करना है ताकि इसकी सारी गुठलियाँ ख़त्म हो जाए और एकदम स्मूथ इस तरह का बैटर बन जाए। आप देख सकते हैं, एकदम परफेक्ट बैटर है हमारा। ये बहुत गाढ़ा बैटर नहीं है, इस तरह का पतला बैटर हमें बनाना है। इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे और इसके बाद हम इसे क्रेप्स बनाएंगे। ये देखिए, 5 मिनट हो चुके हैं। आइए अब हम क्रेप्स बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक नॉनस्टिक तवा लिया है इस तरह का, इसे गर्म कर लिया है। एक बार इसे एक गीले कपड़े से पोंछ लेंगे और इस पर डालेंगे 1 बड़ा स्पून बैटर का और बैटर को इस तरह से घुमाते हुए फैला देंगे जैसे हम डोसा का बैटर फैलाते हैं तवे पर। और फ्लेम हमें लो रखना है। आप इस पर आयरन का तवा भी ले सकते हैं जिस पर आप डोसा बनाते हैं, वो तवा भी यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। और अब जब हमने बैटर को फैला दिया है तवे पर, फ्लेम हम हाई कर देंगे। हाई फ्लेम पर हम इसे पकने देंगे। ये देखिए, एक तरफ लाइट ब्राउन कलर आ गया है तो अब हम इसे पलट देंगे। दूसरी तरफ भी कुछ सेकंड्स के लिए हम इसे सेक लेंगे। तो ये देखिए, हमारा जो क्रेप है ये बनकर रेडी हो गया। इसे बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लगता है। अब हम इस तरह से इसे फोल्ड कर देंगे आधा आधा और ये तैयार हो गया हमारा क्रेप। इसे हम प्लेट में रख लेते हैं। ये देखिए, एक क्रेप हमारा बन गया है। इसी तरह से हम सारे क्रेप्स बना लेंगे। पहले हम तवे को एक गीले कपड़े से पोंछ लेंगे, फ्लेम लो रखेंगे हम और लो फ्लेम पर इस तरह से बैटर को फैलाएंगे तवे पर। ये देखिए, और अब हम फ्लेम हाई कर देंगे। हाई फ्लेम पर इस क्रेप को हम सेकने देंगे। एक तरफ जब लाइट ब्राउन हो जाए तो इसे पलट देंगे और कुछ सेकेंड्स में दूसरी तरफ भी अच्छे से सिक जाएगा। तो इसे इस तरह से फोल्ड कर देंगे और इसे हम प्लेट में निकाल कर रखेंगे। तो देखा ना दोस्तों, ये क्रेप बनाना कितना आसान है। मिनटों में ढेर सारे क्रेप्स आप बना सकते हैं। तो क्रेप्स हमारे रेडी हैं। इतने बैटर से 5-6 क्रेप्स बन जाते हैं। तो आइए अब हम इससे रैप बनाना शुरू करते हैं। तो रैप की फिलिंग के लिए मैंने यहाँ लिया है 1 बनाना और यहाँ कुछ स्ट्रॉबेरीज़ मैंने लिए हैं। तो स्ट्रॉबेरी को इस तरह से हम कट कर लेंगे। अच्छे से वॉश कर लिया है मैंने स्ट्रॉबेरीज़ को और इसे हम इस तरह से लंबे लंबे स्लाइसेस में कट कर लेंगे। आप अपनी पसंद की कोई भी फ्रूट इसमें डाल सकते हैं। मैं यहाँ बनाना और स्ट्रॉबेरी यूज़ कर रही हूँ। आप इसमें ब्लूबेरी, ग्रेप्स, जो भी आपके पसंद के फ्रूट्स हैं, कीवी फ्रूट भी इसमें डाला जा सकता है। तो ये देखिए, मैंने स्ट्रॉबेरी को स्लाइस कर लिया है। अब इसी तरह से मैं बनाना को भी लंबा लंबा स्लाइस कर लूँगी। ये देखिए, इस तरह से ये देखने में काफ़ी अच्छा लगता है इस तरह से स्लाइस करने के बाद। तो ये देखिए, बनाना और स्ट्रॉबेरी को मैंने स्लाइस कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे लिया है न्यूटेला, क्योंकि ये न्यूटेला रैप है तो न्यूटेला लेना तो ज़रूरी है। न्यूटेला मैंने यहाँ पे ले लिया है। अब हम लेंगे एक क्रेप और क्रेप के ऊपर इस तरह से न्यूटेला को स्प्रेड कर लेंगे।
एक स्पैचुला या स्पून से। आप इसकी जगह कोई भी चॉकलेट स्प्रेड भी ले सकते हैं, मार्केट में बहुत सारे चॉकलेट स्प्रेड अवेलेबल हैं। काफ़ी आसानी से ये स्प्रेड हो जाता है। ये देखिए इस तरह से न्यूटेला को हम स्प्रेड कर लेंगे और अब हम इस तरह से स्ट्रॉबेरी को स्क्रेप के ऊपर सजा देंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से ट्रायंगल शेप में हमें सजाना है स्ट्रॉबेरी को, और इसके ऊपर हम थोड़ा सा न्यूटेला डाल देंगे इस तरह से, और अब हम क्रेप को फोल्ड कर देंगे इस तरह से ताकि ये इस ट्रायंगल शेप का आ जाए। तो ये देखिए हमारा स्ट्रॉबेरी न्यूटेला क्रेप रेडी है। इसी तरह से हम बनाना को भी इसमें फिल करेंगे। एक क्रेप मैंने ले लिया है, इसे इस क्रेप पर सबसे पहले हम न्यूटेला को इस तरह से स्प्रेड कर लेंगे। देखा ना दोस्तों ये कितना बनाने में आसान है, और जितना ये आसान है उतना ही खाने में डिलीशियस भी लगता है। तो इस तरह से हम बनाना के पीसेस जो हमने कट करके रखे हैं उसे हम इस तरह से सजा देंगे इसके ऊपर। आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं अपने पसंद के। फिलिंग के लिए आप अपनी पसंद का कोई भी फ्रूट या ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा हम न्यूटेला इस तरह से डाल देंगे, और अब हम क्रेप को फोल्ड कर देंगे। पहले हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और अब दूसरी साइड को भी इसके ऊपर इस तरह से फोल्ड कर देंगे। तो ये हमारा ट्रायंगल शेप का रैप रेडी हो गया। तो ये हमारा बनाना रैप भी रेडी हो गया। अब हम इसे सर्व कर सकते हैं प्लेट में। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में ये रैप। दोस्तों हमारा न्यूटेला रैप रेडी है। इसे थोड़ा डेकोरेट कर देते हैं न्यूटेला से। तो दोस्तों है ना एकदम आसान सी रेसिपी, इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। मिनटों में ढेर सारे रैप आपके बनकर तैयार हो जाएंगे और सबको काफ़ी पसंद आते हैं ये रैप। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं मेरी ऐसी एक आसान सी इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।